हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ट्रेडिशनल रेसिपी जिसका नाम है चावल के फरे। चावल के आटे के फरे बनाने के लिए हमें चावल का आटा और चने दाल की ज़रूरत है। सबसे पहले हम चावल के आटे को गूंथेंगे। उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने पानी लिया है आधा गिलास, उसमें मैंने एक स्पून घी डाल लिया और जो चावल का आटा छान के रखा था मैंने उसको डाल लिया। फ्रेंड्स, पानी जो है वो चावल के आटे का 3/4 होना चाहिए। 5-7 मिनट मैंने चावल के आटे को पानी में डाल के छोड़ दिया है, ये देखिए। उसके बाद मैंने चना दाल मैंने रात को फुला दिया था और ये 5 से 6 घंटे फूले हुए हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, इस चने दाल को मैंने इसका पेस्ट रेडी किया है। एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे हम, इसका दरदरा पेस्ट बनाएंगे। इसके मैंने इसको मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस लिया है। मिक्सी में इसको पीसने के बाद हम इसमें जो हमारा मसाले होते हैं वो ऐड करेंगे। उसके लिए मैंने क्या किया, ये देखिए पहले पेस्ट निकाल लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है, उसके बाद थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा हल्दी कलर के लिए, उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ताकि हल्का सा तीखापन इसमें आ जाए। इसके बाद मैंने क्या किया, इसमें जो चने की दाल का पेस्ट है इसको अच्छे से मिला लिया। हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है और हमें आटा रेडी करना है चावल का। इसके लिए मैंने क्या किया फ्रेंड्स, चावल का जो आटा हमने पानी में डाल के छोड़ा था उसको हम देखेंगे क्या होगा उसका। ये देखिए हमारा पेस्ट रेडी हो गया। हम चावल के आटे के पास जाएंगे, उसका सिचुएशन देखना चाहेंगे। उसको हमने 5 से 7 मिनट हो चुके हैं उसको छोड़े हुए। ये देखिए इस तरीके से हो चुका है। ये आपको हल्का सा रफ़ लगेगा देखने में, लेकिन अब जब इसको अच्छे से गूंथेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट डो बन के रेडी हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इसके बाद मैंने क्या लिया कि छोटी सी लोई ली है, ठीक है। इसकी हम छोटी सी पूरी टाइप बनाएंगे। इसके लिए मैंने लोई ली है और इसको मैंने स्टफिंग के लिए प्रिपेयर कर लिया है। ये देखिए क्या करेंगे, हल्का सा चावल का आटा लिया मैंने सूखा और उस पर इसको अच्छे से लपेट लिया लोई को और अच्छे से बेल लिया है जैसे हम रोटी बेलते नॉर्मली। इसको बेलते वक्त हमें हल्का सा भी प्रेशर नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। इसके जो एजेस आप देख रहे हैं ये थोड़े से फटे हुए लग रहे हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, एक ग्लास दिया धार वाला, उससे मैंने इसको शेप में ले लिया, गोल शेप में, प्रॉपर शेप में आप पे आगे भी। और हम पेस्ट स्टार्टी करके रखा था ना चने दाल वाला, इस तरह से हम इस पर डालेंगे इस पूड़ी पे और इस तरह से हल्के हाथों से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट और सुंदर लग रहा है देखने में, ठीक है। इस तरह मैंने सारे फरों को रेडी कर लिया और अब इसको स्टीम करेंगे हम। इसके लिए स्टीम करने के लिए फ्रेंड्स हमने नॉर्मल अपना घरेलू तरीका अपनाया है। जो हमारे पास छेद वाली या फिर छेद वाली थाली आती है, कई लोग पास परात होती है, मेरे पास ये परात है, मैंने इस पर यूज बनाया है। इसके मैंने क्या परात को हल्का सा घी से ग्रीस कर लिया था, उसके मैंने सारे फरों को इसमें रख लिया है और इस तरह से इसको ढक के हम इसको 10 से 15 मिनट तक स्टीम करेंगे। 10 से 15 मिनट बाद हमने देखा ये हमारे फरे जो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल भाप निकल रही है गर्म गर्म। अब हम इसको क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स जो फरे जो है इसको आप बिना फ्राई करे भी खा सकते हैं, स्टीम वाले भी, या फिर आप इसको फ्राई करके खा सकते हैं। फ्राई करने से इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। मैंने क्या किया, हल्का सा फ्राई कर लिया। जिससे अर्जेंट होते हैं तो उनको अलाउड नहीं होता है घी वाला खाना, तो वो स्टीम वाला भी खा सकते हैं। बट अगर आप फ्राई वाला खाना चाहते हैं तो इसको फ्राई के लिए आपको क्या करना है, एक पैन में हल्का सा तेल लेना है और राई के दाने डालने हैं या फिर सरसों दाना डाल सकते हैं। उसकी जगह आपने तो काली वाली सरसों भी डाल सकते हैं, दाने जो आते हैं। मैंने फिर कड़ी पत्ता डाला थोड़ा सा और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और हल्का सा नमक डाल के मैंने इसको अच्छे से, ये देखिए मसालों को पका लिया मैंने। जब ये मसाले हमारे पक जाएंगे उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, सारे फरों को डाल के अच्छे से एक एक करके पलट पलट के सेक लेंगे। ये देखिए फ्रेंड कैसे ये हमारा मसाला पक चुका है, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे अपने चावल के आटे के फरे जो हमने स्टीम करके रेडी कर रखे पहले से। मैंने सारे फरों को डाल दिया इस तरीके से और 2 से 4 मिनट तक मैं इसको हल्के मीडियम फ्लेम पे इसको अलट पलट के सेक लूँगी। आपको जितना क्रिस्पी चाहिए उतनी देर इसको सेक सकें। इसको हम लोग नॉर्मली पिट्ठा भी बोलते हैं बहुत सारे लोग इसको। ये देखिए मैंने इसको दूसरी साइड से पलट ली है। फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि मेरे आगे आने वाली और भी जो रेसिपीज़ हैं वो आपको मिल सकें और आप भी उसको ट्राई कर सकें बना के। फ्रेंड्स मेरे फले बिल्कुल रेडी हैं, ये देखिए मैं दूसरी साइड से पलट लिए। फ्रेंड्स आप भी बनाएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।